बहुत दिनों के बाद फायरबोल्ट की एक नई वॉच फायरबोल्ट हल्क अपने पास आई है और इस वाली वॉच में हल्क वाला पावर भी है। अपने विराट भैया हल्क से कम थोड़ा है। एक्चुअली जब इंडियन हल्क मूवी बनेगी ना तो विराट कोहली उसमें एक्टिंग करने वाला है, मेरी बात हुई थी उससे। तो अनपैक कर देते हैं हल्क को। जब भी आप एक लॉन्ग टर्म के लिए वॉच ले रहे हो डेफिनेटली उसका डिस्प्ले हमेशा अच्छा होना चाहिए और एमोलेड से बेहतर डिस्प्ले अभी दुनिया में नहीं है भाई। आई मीन होगा लेकिन इस प्राइस पे भाई बेस्ट। वैसे इसके अंदर कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन किए गए, ब्लूटूथ कॉलिंग भी इसके अंदर है, काफी काम की चीज होती है भाई वो। अभी अनबॉक्स कर लेते हैं। ये रहा वॉच अपना। ओ भाई इसकी बिल्ड देख रहे हो, एक होता है बॉक्सर डिजाइन, एक होता है सुपर बॉक्सर डिजाइन। ये लिटरली सुपर बॉक्स ही है एकदम। इसके बटन पे भी आपको एक हल्का सा रेड टेक्सचर है, थोड़ा प्रीमियम फील ऐड कर रहा है। अभी इसकी डिस्प्ले हटा देते हैं। मेरे मुंह से निकल गई दोस्तों, मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। बॉक्स के अंदर आ गया, आपको वही सेम पोगो पिन का चार्जर मिल जाएगा। भाई ये पिन देख के मैं बोर हो गया हूँ लिटरली। लेकिन प्राइस कंट्रोल करने के लिए और चार्ज वार्ज भी कर देता है, फास्ट चार्ज कर देता है तो ठीक है। और आपको यहाँ पे थोड़ा किताब वताब मिल जाएगा और खूब सारा ऑफर मिल जाएगा। ये वाला गिफ्ट मैं माधव को दूंगा, इंजॉय। एक साल की वारंटी रजिस्टर कर लेना। वैसे वॉच का जो स्ट्रैप है काफी ज्यादा सॉफ्ट है, ज्यादा थिक भी नहीं है तो कंफर्टेबल फील आएगा आपको। एक्चुअली पूरा मैट फिनिश है और क्वालिटी सच में काफी अच्छी है। एक बार इसको ऑन करते हैं। फायरबोल्ट आ चुका है और अपने विराट भैया भी आ गए, हल्क भैया को रिप्लेस कर दिया यार। कोई बात नहीं, मैं हूं ना उसके लिए। नाउ यू गॉट हल्क मैट। सो अगर बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में, एक्चुअल में इन्होंने हल्का सा इम्प्रूव किया है क्योंकि एक कॉलिंग वॉच है तो यहाँ पे आपको स्पीकर है और माइक्रोफोन के लिए स्पेशल स्पेस बनाया गया है। नॉर्मली वॉच हम लोग लेफ्ट हैंड पहनते हैं तो एक्चुअल में माइक एकदम सामने आएगा आपके और स्पीकर्स बगल से आएंगे तो एक्सपीरियंस अच्छा होगा कॉलिंग का इसका। पीछे की साइड यहाँ पे प्लास्टिक यूज किया गया और सेंसर्स को ग्लास से प्रोटेक्ट किया गया। डेफिनेटली मेटालिक वॉच है, बिल्ड लंबी चलेगी आपको। लेकिन यहाँ पे जो फिनिशिंग मिली पूरी स्टील वाला वाइब आता है इसके अंदर और डेफिनेटली प्रीमियम वॉच है ये। और इसकी जो प्राइसिंग आपको मिल रही है वो है 3500 रुपीज। इस प्राइस में आपको जो डिस्प्ले मिल रही है ना, ये है एक एमोलेड पैनल जो कि भाई पूरा डीप ब्लैक होता है और इसके ब्राइटनेस का क्वालिटी भी काफी अच्छा है। अगर आप मन में गेस कर सकते हो कि अभी कितना परसेंट ब्राइटनेस है इसका, अब देखो भाई 20% पे अभी है। अगर 100% कर देंगे तो कैमरे में तो काफी ज्यादा ब्राइट दिखेगा और इंडोर के लिए भी काफी ज्यादा ब्राइट है ये, आप देख रहे होंगे। इसका जो चिन है यहाँ पे साइड बेजल से भी काफी ज्यादा यूनिफॉर्म सा है तो एक अच्छा डिस्प्ले, बड़ा डिस्प्ले 1.78 इंच का है भाई तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अंदर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी देखने को मिल रहा है, इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। और ये रहा स्क्रीन क्लॉक, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को स्क्रीन क्लॉक कहते हैं ये। आपको दोनों डिजिटल और एनालॉग क्लॉक देखने को मिल जाएगा और एनालॉग ऐसा कुछ दिखेगा आपको, काफी क्लासिक सा लग रहा है। लिटरली 7:15 हो रहा है अभी, आप ऐसे पहन के मस्त वाइब झाड़ सकते हो। और इस वाले वॉच को प्रॉपरली यूज करने के लिए आपको द फिट एप्लीकेशन चाहिए होगा, बहुत ही आसानी से कनेक्ट हो जाता है। सबसे पहली बात, वॉच के अंदर आपको यहाँ पे फेवरेट कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिलता है और एप्लीकेशन में आपको यहाँ पे वॉच फेसेस मिल जाएंगे। इसका कलेक्शन सच में काफी ज्यादा अच्छा है, कुछ कुछ न्यू वॉच फेसेस भी आए हैं यहाँ पे। ये रेड वाला बड़ा प्यारा लग रहा है। वॉच पे भी घड़ी की टिक टिक शुरू हो चुकी है और यहाँ पे अपना वॉच फेस लग चुका है और एक्चुअल में कितना तगड़ा लग रहा है भाई। लाल लाल तरबूज देख के भाई मन कर रहा है खाने का, तरबूज ऑर्डर करो अभी जोमेटो से। और मैं काफी इंप्रेस हो गया हूँ, बहुत लोग बोलेंगे भाई ज्यादा पैसे मिल गए क्या, ज्यादा तारीफ कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगेन वही सेम चीज, ये डिस्प्ले अभी 20% ब्राइटनेस पे है और इतनी ज्यादा ब्राइट है कि कैमरा बोल रहा है व्हाइट हो गया हर चीज। अभी हम लोग आउटडोर में है और इसका डिस्प्ले कितना ज्यादा विजिबल आप देख सकते हो। और अगेन इसके अंदर ब्राइटनेस काफी कम है, फुल ब्राइटनेस कर देते हैं भाई, बहुत ब्राइट है। और इसके अंदर ब्राइटनेस 550 निट्स की है, मतलब लिटरली मोबाइल के अंदर उतना आता है। और वॉच में डिस्प्ले सेटिंग्स भी काफी सारी है, आपको ऑटो स्लिप मिल जाएगा, मेन्यू स्टाइल आपको डिफरेंट मिल जाता है यहाँ पे। और वॉच फेस आप यहीं से चेंज कर सकते हो। अगर एक ब्लैक वॉलपेपर लगाते हैं इसके अंदर तो आप देख सकते हो इसके बेजल्स बिल्कुल पता ही नहीं चल रहे हैं, पूरा डिस्प्ले ब्लैक यूआई पे बेस्ड भी है। तो जब भी आप वॉच यूज करते हो एकदम इसे ऑल व्यू डिस्प्ले वाला फील आता है और डेफिनेटली एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है इसका। इतने तगड़े डिस्प्ले के बाद इसको सेंसर से इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। अभी हम अपने दिल की धड़कने सुनेंगे दोस्तों और आपको बताएंगे कैसे चल रही है। अपना प्रोफेशनल डोज भी लगा लेते हैं, काफी दिन से चल रहा है भाई ये वॉच। में यहाँ पे 82 BPM आया है और अपने ऑक्सीमीटर में 88 आया है। वैसे वॉच काफी फास्ट मेजरमेंट कर लेती है लेकिन मुझे थोड़ा ज्यादा एक्यूरेसी का उम्मीद था भाई, एक बार और ट्राई करते हैं। इस बार वॉच में 88 आ रहा है और अपने ऑक्सीमीटर में भी 88 के अराउंड ही आ रहा है। दिल की धड़कन तो सही दिखा रहा है भाई। टेबल का क्या, टेबल टेस्टिंग करते हैं। इसने बहुत फास्ट बता दिया है, मेरा मत काटो दोस्तों, मैं काफी इंटेलिजेंट हूँ। एक बार हवाई यात्रा भी कर लेते हैं इसके साथ, क्या ये हवा की धड़कने बताएगा दोस्तों।
बिल्कुल भी नहीं। और वॉच में यहाँ पे आपको स्प्लिट स्क्रीन मिल जाता है, जो भी एप्लीकेशन आपने लास्ट ओपन किया होगा, जैसे कि कल रात में 4 घंटे 45 मिनट सोया था, और स्लीप ट्रैक अच्छा करता है। वॉच में आपको लास्ट नाइट का स्लीपिंग डेटा दिखा रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, लेकिन ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको एप्लीकेशन खोलना पड़ेगा, और एप्लीकेशन के अंदर पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे स्लीपिंग टाइम से लेकर स्लीपिंग क्वालिटी हर एक चीज, और इसके अंदर जो डेटा होता है लास्ट महीने हफ्ते साल बहुत लंबा ट्रैक हो जाता है, और सारे के सारे एक ही एप्लीकेशन के अंदर रहता है, तो डेली आपको ऑल द टाइम पहनना पड़ेगा। लास्ट नाइट वैसे मेरी भी थोड़ी तबीयत हिल सी गई है, लेकिन कोई बात नहीं, सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो वीडियो अपनी चलती रहेगी, इसी बात पे आप लाइक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ये वाला जो बटन है आपको मेन्यू बटन है, इसको प्रेस करके आप मेन्यू में कूद सकते हो, और इसमें काफी सारे फीचर्स है। टच सेंसर आप देख रहे हो कितना ज्यादा स्मूथ है, एक्चुअल में जितने भी एमोलेड डिस्प्ले वाले वॉचेस होते हैं उसका टच रिस्पॉन्स भी बहुत ही अच्छा होता है, और वॉच के अंदर आपको SPO2 सेंसर मिल जाएगा, और ट्रेनिंग मोड के अंदर पूरा का पूरा स्पोर्ट्स मोड है, 100+ स्पोर्ट्स मोड है। एक हम भी ट्राई कर लेते हैं ट्रेडमिल पे रनिंग वाला भाई। आप सभी के लिए ट्रेडमिल हम लोग यहीं पे ले आए भाई, कौन दौड़ेगा उतना। जब तक ट्रेडमिल खुल रहा है आप देख सकते हो यहाँ पे स्टेप्स काउंट कर रहा है, डिस्टेंस काउंट कर रहा है, कैलोरीज एंड आपका हार्ट रेट। आप सभी के लिए फुल मेहनत चल रही है, और वॉच की टेस्टिंग भी कर लेंगे। बैंड बज गया भाई, ओ भाई थक गया भाई। 3 मिनट 160 स्टेप्स दिखा रहा है, सो यहाँ पे BPM आप देख सकते हो 160 डेफिनेटली काफी एक्यूरेट है भाई, और मेहनत का पसीना निकल चुका है। जो यहाँ पे ट्रैकिंग दिख रही है एक्चुअल में काफी ज्यादा एक्यूरेट है, स्टेप थोड़े से कम है, एक्चुअल में थोड़ी देर के बाद सिंक कर लेगा, लेकिन जो डेटा आया है अदरवाइज काफी ज्यादा एक्यूरेट है। वॉच के अंदर कॉलिंग फीचर भी है, उसको एक्टिवेट करने के लिए मेन्यू में जाओ और फोन कॉल में जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले अपने मोबाइल के ब्लूटूथ से आपको वॉच को कनेक्ट करना पड़ेगा। जो स्लैश ऑडियो वाला दिख रहा है यही वाला है, एक्स्ट्रा फीचर में ये मिनी स्पीकर बन जाता है, और भाई इसकी स्पीकर क्वालिटी दिखाता हूँ, फुल वॉल्यूम अभी। एक्चुअल में वॉच में इतनी अच्छी स्पीकर्स आ रहे हैं आजकल, तो कॉलिंग ट्राई करते हैं। एप्लीकेशन से कॉन्टैक्ट्स पहले सिंक करना पड़ेगा, वॉच में आप कॉन्टैक्ट्स देखो यहाँ पे आपको सारा कॉन्टैक्ट सिंक हो चुका है। एक बार कॉल कर लेते हैं मम्मी को, जब आप कॉल करोगे तो ऐसे कुछ UI देखने को मिलेगा सिंपल सा। हाँ अस्सलाम वालेकुम। मम्मी वो भूख लगे, क्या खाने में क्या दिया लंच में आप? अच्छा पूरी छोला है, ओ हमको लगा सब्जी है तो खा लेंगे। उसको भी सर्दी होगी, काफी सर्दी बढ़ गया ना यार वो। हाँ AC भी ऑफ कर रखा है आज तो। हाँ जा रहे खा लेते हैं, ठीक है खुदा हाफिज। भाई क्या तगड़ा स्पीकर है इसका एक्चुअल में, आप लोग ने एक एक डिटेल सुना होगा माइक इतना दूर है एक्चुअल में, लेकिन आपको स्पीकर की क्वालिटी समझ में आ चुकी होगी इसकी। और वॉच में यहाँ पे जो इतने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, लास्ट में आना पड़ेगा टैप करो जो चाहिए वो लगा दो यहाँ पे, मुझको चाहिए टॉर्च, अच्छा यहाँ पे ऐड हो गया भाई। तो अगर समराइज करते हैं इस वाले वॉच को, इसकी प्राइसिंग है 3500 रुपीज, और इसके अंदर आपको मल्टीपल कलर ऑप्शन अवेलेबल है, ब्लैक ब्लू ग्रे एंड गोल्ड अवेलेबल है, हमारे पास ये ब्लैक वाला है, तो आपको जिस कलर से प्रेम आप उसको ले सकते हो, और इसकी प्राइसिंग 3500 रुपीज की जो है उसके हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट एमोलेड डिस्प्ले वाला वॉच है। एमोलेड प्लस कॉलिंग मिल रहा है, और जिसके बिल्ड एंड डिजाइन है डेफिनेटली काफी ज्यादा अमेजिंग है, तो इसको रिकमेंड करने में कोई भी शंका नहीं मुझको, डेफिनेटली आप जाके इसको खरीद सकते हो अगर आपका प्राइस ब्रैकेट इसी प्राइस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। और इस वीडियो के लिए रखते हैं, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गया हो, यहां तक देख ले भाई तो सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन ऑन कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।